विभीषण ने बोला प्रभु सेंटर ऑफ मास पे मारो, सेम इम्पैक्ट होगा उतनी फोर्स पे। एक तो यार ये एलविश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस, जहाँ आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे एक बिल्कुल नए अंदाज। तो आज हम करेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का जो चैप्टर है, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। पहला पार्ट जो आज कर रहे हैं वो है पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन का इंट्रोडक्शन एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी डेरिवेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले वाला चैप्टर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। मतलब इससे आज भी कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, एंड देन इसके जो मेन क्वेश्चंस है जो आपके पेपर्स में आते हैं, जो जेई मेंस में आते हैं, नीट में आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू रोटेशनल मोशन। तो बिना टाइम पास किए चालू करते हैं। यहाँ पे अपना पेन, फोकस और कॉपी लेके बैठ जाओ एंड जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुल। तो देखिए जी, रोटेशनल मोशन जब भी कोई भी चीज रोटेट करती है, सिंपल सी बात है। तो पहला पार्ट यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो सिस्टम, सबसे पहले तो सिस्टम, सिस्टम इज सिस्टम इज एनीथिंग। तो सबसे पहले तो सिस्टम इज एनीथिंग दैट इज एक तो यार ये एलविश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? तो एक तो ये एलविश यादव ने ना सिस्टम वर्ड को इतना खराब कर दिया मेरे लिए, आई जस्ट डोंट लाइक दिस वर्ड एनी मोर। बट एनी वेज हमें करना है। तो सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कोई भी चीज़ हमारे आसपास, सारी चीज मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो आपने नाइन्थ क्लास में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर से मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो भी चीजें बिल्डअप होकर बनी है उन सबको हम यहाँ पर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ एलिश भाई क्या। तो सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। तो कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल इंटरैक्टिंग विद वन अनदर इज कॉल्ड अ सिस्टम। कई सारे पार्टिकल्स एक साथ मिलकर आ गए तो उसको सिस्टम कहते हैं। तो अगर इन ये पार्टिकल्स एलविश आर्मी है तो वो सिस्टम एलविश भाई का सिस्टम। तो ऑल द फोर्सेज एग्जर्टेड बाय वेरियस पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम ऑन वन अनदर आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। अगर एलविश भाई के आर्मी के बीच में आपस में लड़ाई हो जाए तो उसके इंटरनल सिस्टम की लड़ाई, वो इंटरनल फोर्सेस एंड द फोर्सेस एग्जर्टेड ऑन सिस्टम बाय एजेंसीज आउटसाइड द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। कि अगर कोई बाहर से आर्मी पे अटैक करे तो वो एक्सटर्नल फोर्स होती है। इंटरनल फोर्सेस की आर्मी के बंदे, एलविश आर्मी के बंदे आपस में लड़ रहे हैं और एलविश आर्मी पे अगर कोई बाहर से अटैक करता है तो उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इंटरनल फोर्स आपस में लड़ाई है। आगे तो एक रिजिड बॉडी तीन तरीके से मोशन में आ सकती है। पहला मोशन होता है प्योरली ट्रांसलेशनल, सेकेंड इज प्योरली रोटेशनल एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो इसके लिए मेरे को एक चीज की मदद होगी। तो देखिए जी, अगर ये मेरे पास एक डंडा है, ठीक है, आदि अस्त्र जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ, तो अगर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको ऐसे सीधा लेके जाऊं, आगे की तरफ ऐसे सीधा लेके जाऊं, तो इसमें क्या, अगर मैं एक पार्टिकल, एक इस सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर करूँ एंड एक पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर करूँ, मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो ये दोनों चीजें एक ही वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी हैज सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मैं ना इस सिस्टम को इस एक्सिस के अलोंग ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलोंग ऐसे घुमा रहा हूँ। अब इस मोशन के अंदर, जहाँ से इस एक्सिस के अलोंग ऐसे मोशन के अंदर, एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये सेंटर ऑफ, ये मेरी रोटेशनल एक्सिस एंड एक पार्टिकल यहाँ पे कंसीडर किया। तो आप देखो, जहाँ पर ये इस मोशन के अंदर ऐसा जो मैंने मोशन किया, अब इस वाले मोशन के अंदर कौन से पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी? सेम टाइम, अब इधर देखो कौन से पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के अलोंग, इस वाली एक्सिस के अलोंग घूम रहा है और ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पर सेम टाइम के अंदर ऊपर वाला पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इतना। अब देखो यहाँ से यहाँ पर इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया एंड नीचे वाले ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। जिसने ज्यादा डिस्टेंस किया, ट्रेवल किया सेम टाइम के अंदर, उसकी स्पीड ज्यादा, एंड हेंस ऊपर वाले की स्पीड ज्यादा होती है। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है,
एवरी पार्टिकल का बॉडी हैज डिफरेंट वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट। एवरी पार्टिकल का मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। अब मैं जहाँ ये रोटेशनल एक्सिस है, एक पार्टिकल यहाँ पे लो एक यहाँ पे, ये तो डिस्टेंस सेम है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड हेंस इनकी वेलोसिटी विल बी सेम, बट जिसका डिस्टेंस चेंज होगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो एवरी पार्टिकल हैज डिफरेंट वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट। और अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो ट्रांसलेशन मोशन है, आप किसी भी चीज को पुश करो पुल करो वो ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशनल मोशन में इसको ऐसे घुमाया, पंखा घूमता है, रोटेशनल मोशन। अगर ये ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी, मतलब आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। मतलब जैसे कि किसी व्हीकल का टायर घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, वो कॉम्बिनेशन हो रहा है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का। चलो आगे बढ़े, तो अगली चीज आती है हमारे पास सेंटर ऑफ मास। किसी भी मास का सेंटर, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी कॉम्बिनेशन एनी पार्टिकल इज दिस। अब जैसे ये डंडा है, इस डंडे का सेंटर ऑफ मास इज कि इस बॉडी का वेट जहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड है, मतलब अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो मैं इसको अराउंड जहाँ से ऐसे करके यहाँ से इसको मैं बैलेंस कर सकता हूँ, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। सेंटर ऑफ मास का मतलब इसका मास जहाँ पे सारा का सारा लोकेटेड है, मतलब अगर मैं इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ इस पूरी बॉडी पे, सेम 10 न्यूटन की फोर्स मैं इस सेंटर ऑफ मास पे लगाऊँ तो बॉडी पे सेम इम्पैक्ट होगा, वो सेंटर ऑफ मास होता है कि इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेटेड है। अगर मैं इस डंडे को बैलेंस करूँ तो मैं अराउंड यहाँ से इसको बैलेंस कर सकता हूँ, बिकॉज इसका सेंटर ऑफ मास है। यहाँ से मैं इसको बैलेंस नहीं कर सकता, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस पे थोड़ा सा मैं वेट बढ़ा दूँ किसी भी साइड, तो मान लो अगर मैं अपना स्टाइलस ही इस पे रख दूँ, यहाँ से मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इधर स्टाइलस रख दूँ यहाँ पर, तो इस तरफ वेट ज्यादा हो गया। अगर मेरे को इसको बैलेंस करना है, मैं इस तरफ थोड़ा सा और इस तरफ खिसका हूँ, तो अब ये अराउंड यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा कैसा गया, डिपेंडिंग अपॉन द कंफिग्रेशन, मास कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का चेंज होता है। यहाँ से हटा दूँ तो फिर से डिसबैलेंस हो जाएगा एंड सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास वो सिंपली सेइंग, तो वो पॉइंट जहां से आप किसी भी बॉडी को अपनी एक उंगली पे बैलेंस कर सकते हो। एंड मेनली अगर आप इसको साइंटिफिकली समझो तो वो पॉइंट जहां पर अगर आप पूरी बॉडी पे फोर्स लगाओ या सिर्फ उस पॉइंट पे फोर्स लगाओ तो वहां से सेम इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली और उससे पहले दशहरा, दशहरा वाले दिन क्या हुआ था, राम जी ने रावण को मारा था। तो जब राम, भगवान राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था, उस टाइम पर प्रभु श्री राम ने कई सारे बाण मारे लेकिन रावण नहीं मरा, सर पे मारे, हाथ पैर हर जगह मारे, नहीं मरा वो। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, विभीषण ने बोला प्रभु सेंटर ऑफ मास, तो विभीषण ने बोला प्रभु सेंटर ऑफ मास पे मारो, सेम इम्पैक्ट होगा उतनी फोर्स पे। तो पूरी वो फोर्स जहाँ पे पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, उन्होंने क्या करा, एक बाण मारा पेट पे, नाभि पे मारा, वो मर गया। इस वजह से सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारे पुस्तकों से चला आ रहा है सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट। आगे बढ़े, तो सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम का हमें डिराइव करना है। तो यहाँ पर मैंने एक दो पार्टिकल का सिस्टम लिया हुआ, अगर मैं इसको आपको वापसी से समझाऊं तो इस टू पार्टिकल सिस्टम के अंदर मेरे पास क्या है, ये दो पार्टिकल है, एक मास M1 यहाँ पे रखा हुआ है, एक मास M2 यहाँ पे रखा हुआ है। ये मास M1 M2 का जो पोजीशन वेक्टर है, इसका R1 वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर इज R2। पोजीशन वेक्टर इज वो वाला वेक्टर जो हमें किसी भी पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन को बताता है। और अगर मैं इन दोनों पार्टिकल को कंसिडर करूँ तो इन दोनों पार्टिकल का जो लाइन ज्वाइनिंग है वो ये, एंड हेंस ये बन जाएगा इनका सेंटर ऑफ मास। मैं मान लेता हूँ एम है, और इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो आ रहा है कैपिटल आर। ठीक, अगर मैं इनको नामकरण करूं इनका, तो नामकरण के हिसाब से दिस बिकम्स, मान लो ए, ये बी है, ये सी है और ये ओ है। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या आ रहा है, ओ ए इज R1 वेक्टर, ओ बी इज R2 वेक्टर एंड ओ सी इज कैपिटल आर वेक्टर। ये चीजें हैं मेरे पास। अब ओ ए पर मैंने मास M1 रखा है, ओ बी पे मास M2 रखा है और ओ सी मेरा सेंटर ऑफ मास का वेक्टर है। ठीक है, अब दो फोर्सेस हमने पढ़ी थी यहाँ पर, एक इंटरनल फोर्स पढ़ी थी जो एलविश भाई की आर्मी के अंदर अंदर लड़ाई हो रही है, और एक्सटर्नल फोर्सेस पढ़ी थी। तो इंटरनल फोर्स में दो मानता हूँ कि मेरे पास दो इंटरनल फोर्स है, एक है F12 एंड एक है F21। F12 इज फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2
एंड एफ टू वन इज फोर्स ऑन मास एम टू ड्यू टू मास एम वन। ऑल राइट, ये दो मेरे पास इंटरनल फोर्सेज होगी। एक्सटर्नल फोर्स देखो तो दो ही एक्सटर्नल फोर्सेज हो जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्सेज भी मेरे पास दो होंगी। कौन कौन सी? एक तो मैं मान लेता हूँ कैपिटल एफ वन इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन मास एम वन, एंड एक मानते हैं कैपिटल एफ टू विच इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन मास एम टू। ऑलराइट, ठीक है जी, आगे बढ़े। तो इसका रिलेशन अगर मेरे को देखना है तो मैं निकालता हूँ मास, उसका मोमेंटम से। तो P1 मैं मानता हूँ पहली बॉडी का मोमेंटम हो जाता है मास इनटू उस बॉडी की वेलोसिटी। ऐसे ही अगर मैं निकालूँ सेकेंड बॉडी का मोमेंटम तो बन जाता है मास ऑफ सेकेंड बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। कूल, अगर मेरे को फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन याद हो अगर आपको यहाँ वो देखना है, तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मैं यहां पर निकालूं तो डी पी वन बाय डी टी क्या आना चाहिए? टोटल फोर्स ऑन एम वन, वो क्या बनेगा? इंटरनल फोर्स ऑन एम वन प्लस एक्सटर्नल फोर्स ऑन एम वन। एंड सिमिलरली डी पी टू बाय डी टी बन जाएगा एफ टू वन प्लस एफ टू। ठीक है, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, इन दोनों का जोड़ा जारी कर दें तो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, उससे हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन के डी पी वन डिवाइडेड बाय डी टी प्लस डी पी टू डिवाइडेड बाय डी टी बिकम्स एफ वन टू प्लस एफ टू वन प्लस एफ वन प्लस एफ टू। अब देखो जो एल्विश भाई की आर्मी के अंदर बंदे हैं वो तो सारे एक जैसे ही हैं, मेंटल लेवल पे तो एक जैसे ही हैं, फिजिकल लेवल पे अलग हो सकते हैं लेकिन मेंटल लेवल पे तो एक जैसे ही हैं। तो फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस ऑब्जेक्ट ऑन दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड बाय एम टू ऑन एम वन। ये दोनों एक दूसरे पे बराबर बराबर फोर्सेस ही अप्लाई करेंगे, तो इस वजह से क्या होगा? एफ टू वन एंड एफ वन टू विल ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट, इस वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे एंड हेंस ये दोनों आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, इस वजह से ये कैंसिल हो जाएंगी एंड हेंस मेरे पास नेट फोर्स बचेगी एफ वन प्लस एफ टू, और इसको मैं मान लो टोटल फोर्स एफ कह देता हूँ। ठीक है, सही, या फिर लेट मैं इसको टोटल फोर्स एफ मानता हूँ। अब तो इससे मेरे पास रिलेशन आ गया, कैपिटल एफ फोर्स इज इक्वल टू डी पी वन बाई डी टी प्लस डी पी टू बाई डी टी, वेयर डी बाई डी टी पी वन इज एम वन बी वन प्लस डी बाई डी टी ऑफ पी टू इज एम टू डी टी। इससे मेरे को एक चीज और मिल जाएगी कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन वेक्टर आर वन और आर टू लिया था, तो यहाँ से वी वन इज डी आर वन बाई डी टी एंड वी टू इज गोइंग टू बी डी आर टू बाई डी टी। तो यहाँ से एफ बन जाएगा मेरे पास डी अपॉन डी टी ऑफ एम वन इन टू डी आर वन बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी ऑफ एम टू इन टू डी आर टू बाई डी टी। अब इतना तो आप अब तक जाने गए होंगे डिफ्रेंशिएशन के अंदर कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो कुछ भी नहीं होता, और अगर कि कोई कांस्टेंट एक फंक्शन के साथ रखा हो तो उसको कोएफिशिएंट मानते हैं, उसका भी डिफरेंशिएशन नहीं करते, उसको बाहर खिसका देते हैं। तो अगर मैं इसको अंदर खिसका दूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि अगर भाई अगर मैं कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर, तो मेनली मेरे को क्या करना है? दिस बिकम्स फाइव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको उल्टा लिखूँ तो भी तो चल जाएगा, फाइव को अंदर खिसका दिया मैंने। तो इससे मेरे को ये पता चलता है कि अगर मैं कहूँ कि तुमसे हंसी नहीं, अगर मैं कहूँ कि मैं इस एम वन को अंदर खिसका दूँ तो डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एम वन आर वन बन जाएगा।
मैंने डिवाइड डी बाई डी टी को बाहर खिसका दिया, एन को अंदर कर दिया। सिमिलरली इन दिस टू डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एम टू आर टू ये बन जाएगा। देन एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी टू डी बाई डी टी बिकम्स डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ एम वन आर वन प्लस डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ एम टू आर टू। डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को वो कॉमन निकाल दें तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू। ठीक है, ये फोर्स जो पूरी बॉडी के ऊपर लग रही थी, और मैंने क्या कहा, अगर मैं सेम फोर्स पूरी बॉडी वाली सेंटर ऑफ मास पे लगाऊं सेम इम्पैक्ट होगा। तो इस फोर्स के साथ अगर मैं सेम इम्पैक्ट करूँ तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ टोटल बॉडी का मास एम और कैपिटल आर इज द सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वैक्टर। इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एम आर इज इक्वल्स टू द डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू। यहाँ से अगर मेरा सीधा सीधा दिख रहा है कि डी टी डी बाई डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर दोनों साइड से कट पिट के खिसक रहा है, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पे मिल रहा है, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर एम इन टू आर इज इक्वल्स टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू। मतलब के सेंटर ऑफ मास का जो पोजिशन वेक्टर है वो आ गया एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाय बॉडी का टोटल मास एम। दैट्स इट। चलिए जी, अगर आगे देखें तो सेम फॉर्मूला, अगर मैं एक एन पार्टिकल सिस्टम के लिए बनाऊं तो मेरे पास यही एन एम एन एम वन आर वन एम टू आर टू एम थ्री आर थ्री एम एन आर एन तक चला जाएगा, एंड देन नीचे मैं सबके मासेस को ऐड कर सकता हूँ, टोटल मास हो जाएगा। अगर एम वन एम टू को मैं बराबर मान लूँ तो जो सेंटर ऑफ मास है वो दोनों बॉडीज के एग्जैक्ट सेंटर पर लाई करेगा। मतलब अगर मास किसी भी बॉडी का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्ट बॉडी के सेंटर पर आएगा। अगर मास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है, जैसे मैंने आपको अपना आदि अस्त्र दिखाया था, इसके अंदर क्या था, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर ऑफ मास आ रहा है बीच में। अगर मैंने मास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में रखा तो मास इधर उधर कहीं ना कहीं खिसक जाए। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे हमारे पास आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास। पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग होते हैं, मतलब एक्स वाई एंड देन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स अलग अलग होते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप उसी पे रहो तो सेंटर ऑफ मास वही का वही रहेगा, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई सा भी यूज करो। एंड देन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मास एंड इट मे लाई विद इन और आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है और वो बॉडी के बाहर भी लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग उस कंफिगरेशन कैसे। और सेंटर ऑफ मास चेंजेस इट्स पोजिशन ओनली अंडर ट्रांसलेटरी मोशन, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर मैं इस बॉडी को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं खिसकेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे खिसका रहा हूँ तो उसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेलोसिटी की किस वेलोसिटी से ट्रांसलेशनल मोशन के अंडर जा रहे हैं। आगे आगे बढ़े तो आगे हमारे पास भाई एक क्वेश्चन है कि दो बॉडी है मास 1 केजी और 2 केजी, मतलब दिस बिकम एम वन दिस बिकम एम टू आर लोकेटेड एट दिस एंड दिस, दिस बिकम्स एक्स वन, मतलब ये आई कैप पहले का, ये दूसरे का जे कैप, ये आई एन जे। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। और ऐसे ही सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। इस हिसाब से एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा एम वन वन इंटू वन प्लस टू इंटू टू फोर डिवाइड बाय वन प्लस टू थ्री, दिस बिकम्स फाइव बाय थ्री आई कैप एंड वन इंटू माइनस वन वाई इज इक्वल टू वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन प्लस टू इंटू थ्री सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री इज अगेन फाइव बाई थ्री जे कैप। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए फाइव बाई थ्री एंड फाइव बाई थ्री। चलो जी आगे बढ़ते हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो भाई जब हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ते हैं तो मोशन का मतलब वेलोसिटी। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई कि आर इज इक्वल्स टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू
प्लस में कितनी भी बॉडी का सिस्टम ले लो उसके लिए होता है। तो अभी के लिए जस्ट लेट अस रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू टू बॉडी सिस्टम। तो इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोशन, तो मैं मोशन के लिए बात कर रहा हूँ आर की। आर इज सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कर दूं डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो डी आर बाय डी टी क्या होता है? डी आर बाय डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो डी आर बाय डी टी बन जाती है वेलोसिटी कैपिटल वी। और इधर भी मैं सेम डिफरेंशिएशन करूंगा, तो अब नीचे तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, उस पर डिफरेंशिएशन का कोई फर्क नहीं है। फर्क किस पे है? आर वन ना आर टू पे। तो फर्क है, फर्क है, फर्क है डी बाई डी टी ऑफ आर वन वेक्टर प्लस एम टू एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ आर टू वेक्टर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो दिस बिकम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो क्या इक्वेशन में फर्क है? फर्क है, फर्क है, नहीं है। सेम आर जैसी इक्वेशन थी, बस आर की जगह आर के साथ आर था। ठीक है सर, ये आ गया। बस इसी इक्वेशन को वापस से डिफरेंशिएट कर दो। क्या इक्वेशन आई? अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो क्या इक्वेशन बनेगी भाई? इक्वेशन बनेगी डी बाई डी टी ऑफ वी वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंड एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? एम वन डी बाई डी टी ऑफ आर वन प्लस एम टू इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर आर क्यों वी वी टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। एंड दिस बिकम्स एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू डिवाइडेड बाय एम वन एम टू। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इस इक्वेशन में, क्या इन इक्वेशंस में फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास कोई फर्क है? नहीं, दीज ऑल आर द सेम इक्वेशंस, बिल्कुल एकदम एज इट इज। आर के साथ आर, ए के साथ वी, ए के साथ ए चिपका दिया, काम हो गया, कुछ भी अलग अलग नहीं था। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट से पहले अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि यहाँ पर वी आ गया, ठीक है, अगर मैं इस एम वन एम टू को वहां पे खिसका दूं, इस एम वन एम टू को मैं इधर खिसकाऊं, तो क्या बनेगा? टोटल मास ऑफ बॉडी इंटू वेलोसिटी वी इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू है। तो मास इंटू वेलोसिटी से कुछ याद आया? कुछ 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 याद आया, आया 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 आया। मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। सिमिलरली इस मास को उधर खिसकाएं तो, अरे यार एक तो ये ना, एम इंटू ए वैक्टर इज इक्वल टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू। अगेन 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 मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू। लिखा, चलो जी अगली चीज पे आ जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कभी भी अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन इज ऑफ टू टाइप्स। जो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होती है ये दो तरीके की होती है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो भी आंसर आता है ना हमारे पास, वो आंसर इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, इस वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है हमेशा वो वेक्टर क्वांटिटी आती है ना, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट के अंदर आंसर आता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिन भी दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट किया है, इंटू में आता है कॉस थीटा, और इधर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन थीटा। इधर कॉस आता है और उधर साइन थीटा आता है, ये इनके बीच का फर्क होता है। तो
तो अगर मेरे को किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऐसे लिखा जाता है, और इसको अगर इक्वेशन के अंदर सॉल्व करना है तो दिस बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दिस इज द इक्वेशन। जब आप इसको इसी तरह इक्वेशन के अंदर ही आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने का एक और तरीका है कि अगर मान लीजिए ए इज लेट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी ए कैप एंड बी इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ए कैप, ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास इनका मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ऊपर लिखो आई जे के। इधर जो पी वेक्टर पहले आ रहा है ए बी एंड सी देन एक्स वाई एंड जेड जी एंड जेड एंड ये जो दो डंडे साइड में खींचे ये जो पूरा एक सिस्टम बना, हाँ एक तो सिस्टम शब्द बार बार आ रहा है, एक जो पूरा ये कॉन्फ़िगरेशन जो बनी है हमारे पास, इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये पूरी जो टेबल बनी है टेबल को कहते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के साथ में दो डंडे खींच दो तो उसको कहते हैं डिटरमिनेंट। तो हमें इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका है कि क्या करो, पहले लिखो आई कैप, देन क्या करो आई कैप की जो रो और कॉलम है उनको छोड़ो, इसको और इसको छोड़ दो, बचा गया ये, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करो, इनको मल्टीप्लाई करो ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे, पहले ऐसे एंड देन माइनस ऐसे, मल्टीप्लाई करो ये, मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा हमारे पास जेड इंटू बी, तो ये बन गया बी जेड माइनस ऐसे वाई इंटू सी, पहले ऐसे गए देन माइनस देन ऐसे, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड देन दूसरी जो दूसरा जो पार्ट है हमारे पास वो कौन सा है वाई जे कैप, जे कैप को अगेन इसके रो और कॉलम छोड़ा तो जेड ए एक्स सी, तो ये बन गया अब जे कैप। तो इतना याद रखना ये प्लस होता है ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, आई कैप माइनस जे कैप क्या हुआ जेड ए एक्स सी, तो ए जेड माइनस एक्स सी। ठीक, एंड सिमिलरली के कैप अगेन ये और ये छोड़ा तो ए वाई एक्स बी, ए वाई माइनस एक्स बी, इस पूरे को एक्सपेंड कर दो और वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट की इन टर्म्स ऑफ आई जे के, क्योंकि वेक्टर है तो आई जे के टर्म्स से आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आप ये वाला सोल्यूशन होता है इससे भी हमारे पास सीधा का सीधा जो मैग्नीट्यूड है वो आता है, इससे हमारे पास वेक्टर नहीं मिलेगा, वेक्टर हमें इस तरीके से मिलेगा, मैग्नीट्यूड चाहिए खाली तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखो उसके अकॉर्डिंग काम करो। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्होज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेक्टर्स। मतलब अगर मैं ये लिखूं कि मेरे पास ए वेक्टर ये है एंड बी वेक्टर ये है और इसको मैं ऐसे कंप्लीट करूं, ये पैरेललोग्राम मेरे पास बन गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्होज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेक्टर्स। मतलब इसको दो में डिवाइड कर दिया तो इसका इस ट्राइंगल का टू इंटू एरिया हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम को बीच में डिवाइड करो ऐसे बीच से दो टुकड़े कर दो तो दो ट्राइंगल बन जाते हैं, उसका एरिया डबल हो जाता है, पैरेललोग्राम का पूरा एरिया तो ट्राइंगल का डबल एरिया आ जाएगा। चलो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होगा जी, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप। इसको अगर आप देखो तो मैंने क्या कहा आपसे कि मैग्नीट्यूड होता है इसका, मैग्नीट्यूड होता है इसका ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। फॉर यूनिट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज वन इंटू वन, बचा गया साइन थीटा। साइन थीटा, अब थीटा के देखो आई और आई मतलब खुद के साथ, एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, साइन 0 होता है 0। तो मतलब जब भी हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं उस केस में
आई आई जे जे एंड के आर ऑलवेज जीरो, ठीक है। इसके आगे बढ़ो तो आई क्रॉस जे होता है के कैप, इस ये चलता है साइक्लिक, आई जे और के, ठीक है। आप ऐसे जाओगे क्लॉकवाइज तो आंसर पॉजिटिव आएगा, आई क्रॉस जे के बनेगा, के क्रॉस आई जे बनेगा और एंड जे क्रॉस के आई बनेगा। और अगर उल्टा जाओगे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो वो आएगा नेगेटिव, आई क्रॉस के बनेगा जे, तो आई क्रॉस जे इज के बट जे क्रॉस आई इज माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के, उल्टा गए हैं ऐसे है ना उल्टा, एंड जे क्रॉस के इज आई कैप बट के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस ए कैप। लाइक वाइज और क्या बचा हमारे पास, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप, लेकिन उल्टा करो तो आई कैप क्रॉस के कैप इज जे कैप, कूल, जे और माइनस जे कैप, ये होते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, मतलब उल्टा होता है, मतलब अगर मैं क्या करूं, मैं एंटी कम्यूटेटिव का मतलब अगर मैं कर रहा हूँ ए क्रॉस बी तो ये माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। आई हैव नॉट रिटन दिस, लेकिन अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मतलब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ से मेरे पास एक सी वेक्टर आ रहा है तो सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये इसकी प्रॉपर्टी है, सी इन दोनों का परपेंडिकुलर है। अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूँ तो परपेंडिकुलर होएगा, लेकिन परपेंडिकुलर ऐसे बन रहा है तो वो परपेंडिकुलर नीचे बन जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस वजह से एंटी कम्यूटेटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ये बन जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ऐसी एसोसिएटिविटी और क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट, जो हमने पहले किया। आगे बढ़ो तो डिटरमाइन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यूनिट वेक्टर निकालना है, आप देखो कहा परपेंडिकुलर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इन दोनों का, तो ए क्रॉस बी हमें करना है, तो ए क्रॉस बी कैसे होगा, आई जे के, ए क्या बनेगा दो एक एक, दो एक एक, बी क्या बना एक माइनस एक दो, एक माइनस एक दो, मैंने क्या लिखा आई जे के साथ में जो है वो लिखा। अच्छा इन्होंने बोला परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, अब सिर्फ एक वेक्टर नहीं है जो इन दोनों का परपेंडिकुलर हो, दूसरी तरफ में भी हो सकता है, मतलब मैंने ए क्रॉस बी किया, बी क्रॉस ए करके भी आंसर निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसको सॉल्व करें अगर हम तो क्या बनेगा भाई, आई कैप देन इसको और इसको छोड़ा, ये इंटू ये टू इंटू वन टू, माइनस माइनस वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन, माइनस जे कैप जे के और कॉलम छोड़ दें, टू इंटू टू वो फोर, माइनस वन प्लस के कैप, के कैप के अंदर फिर से ये और ये छोड़ा, देन माइनस वन इंटू टू, माइनस वन इंटू टू, माइनस टू और माइनस वन, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, टू प्लस वन इज थ्री आई कैप, फोर माइनस वन इज थ्री, तो माइनस थ्री जे कैप एंड ये आ गया माइनस थ्री के कैप। और हमें क्या निकालना है, लेकिन यूनिट वेक्टर, अगर किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करो, उसको उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसके सारे कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करके उनका स्क्वायर रूट निकालना, मतलब तीन का स्क्वायर नौ प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर इज नाइन प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर फिर से नाइन, तीनों को ऐड किया ये बना रूट 27। क्या करना है, तीनों को स्क्वायर करो प्लस करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, रूट 27 कितना बनेगा भाई, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री विच इज थ्री रूट थ्री, और उससे डिवाइड कर दो हर एक पार्ट को, तो थ्री बाई थ्री रूट थ्री आई कैप माइनस थ्री बाई थ्री रूट थ्री जे कैप माइनस थ्री बाई थ्री रूट थ्री के कैप, तीन 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 गया, वन बाई रूट थ्री को कॉमन निकाल लो, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। चलो जी अब हम कहाँ कर रहे हैं, हम लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा इंट्रोडक्शन तो हो गया, सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट हो गया, अब रोटेशनल मोशन का इंट्रोडक्शन है,
लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन पे जाना है। तो सबसे पहली चीज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी से भी पहले देखो तो जो हम लीनियर वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट नाम की एक चीज पढ़ते हैं वो यहाँ पर बन जाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं एक ऐसे घूम घूम सर्कल में घूम रहे हैं, तो सर्कल के अंदर हम एंगल से घूमते हैं। अगर मैं एक सर्कल में यहां से लेकर यहाँ पे घूमा तो मैं एंगल में घूमा हूँ, मैं डिस्टेंस में कह मैंने एंगल कवर किया, डिस्टेंस नहीं कवर, तो इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो एस से रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर होता है थीटा से, जिसको हम नापते हैं मीटर में, इसको हम नापते हैं रेडियन स्केल। एंगल की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है रेडियन। तो एंगुलर वेलोसिटी वी से जब लीनियर वेलोसिटी वी से जब हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पे जाते हैं, दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज एस, ओमेगा है ये। तो जब हम लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। जो सर्कुलर मोशन के अंदर रेडियस है हमारा, वो रेडियस आर हम यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे अगर आप देखो ओमेगा क्या बनेगा, ओमेगा बनता है वी बाय आर, वी होता है एल टी माइनस वन। तो अकॉर्डिंगली ओमेगा की जो यूनिट आती है, और ये ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टाइम भी होगा, एंगुलर एंगुलर डिस्टेंस मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो ओमेगा की जो यूनिट आती है, यूनिट आती है इसकी, ओमेगा इज एंगल मतलब रेडियन, तो रेडियन एंड टाइम इज सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट आती है। और आप देखो अगर ये इसकी डायमेंशन, तो ओमेगा की डायमेंशन इज वी बाय आर, वी इज एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय आर इज टी माइनस, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय आर इज एल, एल से एल कट गया बचा टी माइनस वन, जो कि आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। थीटा इज डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टी टी इज टाइम। तो ये आ गया आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। अगली चीज इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली लाइकवाइज वेलोसिटी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाती है अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का रिलेशन भी वैसा का वैसा ही बनता है, ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर, यहाँ पर भी वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रोटेशनल मोशन। तो अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाय आर या फिर ओमेगा बाय टी होता है। तो हिसाब से फिर इसी हिसाब से इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट आपके पास आ जाएगी रेडियन पर टाइम, पर टाइम मतलब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी जो डायमेंशंस आएंगी वो आपके पास आ जाएंगी ए इज एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल मतलब टी माइनस टू, ये इसकी आगे यूनिट और डायमेंशंस। चलो आगे बढ़े, तीसरी चीज आती है टॉर्क। टॉर्क इज द फोर्स एनालॉग फॉर इन रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन से जब हम रोटेशनल मोशन में जाते हैं तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स एंगुलर फोर्स नहीं बनती, फोर्स को कहते हैं टॉर्क। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से जिसको कहते हैं टाऊ, नॉट ताऊ नहीं टाऊ। टाउ कहते हैं इसको, तो फोर्स से टॉर्क हो जाते हैं। तो अब इसका रिलेशन देखो तो एफ इज इक्वल्स टू टाउ, ये इधर टाउ में मल्टीप्लाई नहीं होता, तो टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है। तो हिसाब से देखो ऐसे लिखो तो टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, और यहाँ पर ये जो एफ आर है, दिस आर इज नॉट रेडियस, यहाँ पर दिस आर is called arm of couple या फिर perpendicular distance। arm of couple मतलब दो एक जो जोड़ा है वो ऐसे हाथ पकड़ के चल रहा है, उनका हाथ नहीं। arm of couple का मतलब जो टॉर्क क्रिएट करते हैं वो दो फोर्सेज होती है, मतलब अगर मेरे को इसको घुमाना है अराउंड दिस पॉइंट, अगर मेरे को इसको घुमाना है तो मेरे को एक फोर्स यहाँ से ऊपर और एक फोर्स यहाँ से नीचे लगानी पड़ेगी ऑब्वियसली। अगर मेरे को ये जो इफेक्ट टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करना है, इस टर्निंग इफेक्ट के लिए मेरे को यहाँ पर जो दो फोर्स लगा रही है, इन दोनों फोर्स को कहते हैं कपल, एक एंड दो, ये तो अगर इसको पकड़ के रखूंगा तो ये सिर्फ एक फोर्स लगाऊंगा, इसको रोक के रखा तो ये फोर्स यहाँ से घूमेगा, यहाँ से नहीं घूमेगा ये डंडा,
तो दोनों तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इसको मैं घुमा सकूं। तो ये जो दो फोर्स एक साथ एक्ट कर रहे हैं इनको कहते हैं कपल। और जब मैं कपल की बात करता हूं तो वहां पर आर्म ऑफ कपल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल, और ये यहाँ पर टाउ में लगता है। तो अकॉर्डिंगली इसकी अगर आप देखो तो इसकी यूनिट इज न्यूटन इंटू मीटर, इसकी यूनिट इज न्यूटन मीटर। डायमेंशन देते हैं इसकी, फोर्स इज एम एल टी माइनस टू इंटू इसका एल बनता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आगे भाई अगर हम देखें टॉर्क के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर मेरे को बनाने हो तो टाउ, तो मैंने क्या कहा हम टाउ को लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ। तो अगर मैं कहूँ कि टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप, ये मेरा है किसके बराबर, ये मेरा है आर क्रॉस एफ। आर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू में एफ, एफ इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इसके बराबर। तो अगर मेरे को इसको लिखना है कि मेरा भाई टाउ एक्स टाउ वाई टाउ जेड किसके बराबर होंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, क्या बनेगा आई जे के एंड एक्स वाई जेड एंड एफ एक्स एंड एफ वाई एंड एफ जेड। इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके मेरा बनेगा आई कैप के साथ वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई माइनस जे कैप के साथ बनेगा हमारे पास, इसको इसको छोड़ो एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स एंड प्लस के कैप के साथ हमारे पास बनेगा ये एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये हमारे पास तीन चीजें आ जाएंगी। और अगर मैं इसको इक्वेट करूं टाउ एक्स के साथ, तो टाउ एक्स इज आई कैप के साथ क्या आया वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। टाउ वाई को कंपेयर करें तो टाउ वाई क्या जे कैप, जे कैप ये माइनस का है तो माइनस का साइन अंदर किसका होगा जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। और तीसरा देखो तो टाउ जेड इज के कैप वाला और के कैप है ये एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, ठीक है जी। नीचे पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, तो पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये बन गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम इनटू वेलोसिटी। ये लीनियर मोशन का इसी के अंदर सारे एनालॉग्स लिख दो, तो पावर इज फोर्स की जगह लगा दो टॉर्क इनटू वी की जगह आ गया ओमेगा, ये आपका आंसर। बस सीधा सीधा सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एंगुलर मोमेंटम एल एल और हम क्या करें लीनियर से एंगुलर, तो पी से लेकर हम एल पे पहुंचे हैं। रिलेशन देखो तो पी इंटू आर इज इक्वल टू एल, ये होता है मतलब इसमें भी आर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है एंड अगर आप देखो तो एल हो गया पी, पी होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो एम वी आर ये इसका एक फॉर्मूला होता है। और अगर मैं क्या करूँ मैं वी आर, वी क्या होता है ओमेगा आर, तो ये बन गया एल इज इक्वल टू वी एज ओमेगा आर, तो आर इंटू आर बन गया आर स्क्वायर, तो एम ओमेगा आर स्क्वायर, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में रिलेशन आ गया। तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम, कोई मोमेंटम एंगुलर रोटेशनल मोशन के अंदर एम वी आर या एम ओमेगा आर स्क्वायर। यूनिट देखो तो यूनिट, यूनिट क्या हो गया मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इंटू आर इज डिस्टेंस, तो मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आ गई यूनिट। और देखी जाए इसकी डायमेंशंस, तो डायमेंशन क्या होगी केजी, मास हो गया एम, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन एंड बचा एल, तो ये एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम
एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये इसकी आ गई डायमेंशन। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज अबाउट गिवन एक्सिस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड एरियल वेलोसिटी ऑफ कोलिजन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। बहुत क्लियर हो गई। मेन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम इज 2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल इनटू एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डी ए बाय डी। एरियल वेलोसिटी से क्या मतलब है? एरियल वेलोसिटी इज एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। अगर मैं एक सर्कुलर मोशन में चल रहा हूँ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये वाला एरिया स्वाइप कर रहा हूँ, ऐसे घूमते हुए ये चीज जो भी पार्टिकल चल रहा था वो यहाँ से ऐसे यहाँ पर पहुंचा, गलत हो गया था, ऐसे यहाँ से यहाँ पर उसने ये वाला रीजन कवर किया, तो एरिया स्वाइप बस दिस, इतना एरिया उसने स्वाइप किया है। इतने एरिया स्वाइप करने के लिए उसने जितना टाइम लिया वो डी ए बाई डी टी, वो एरियल वेलोसिटी होता है, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम। कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक सर्कुलर मोशन के अंदर है वो एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकलता है एल इंटू टू इंटू एम इंटू डी ए बाई डी टी। एल इज गोज टू टू इंटू एम, मास इंटू डी ए बाई डी टी इज एरियल वेलोसिटी, एरिया कितना कवर किया। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच का रिलेशन, तो एफ इज गोज टू डी पी बाई डी टी होता है लीनियर मोशन के अंदर। सेम टू सेम रिलेशन टाउ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी इज डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल। बस सेम टू सेम रिलेशन आएंगे भाई, बिल्कुल एकदम ऐसे कट कॉपी पेस्ट वाले। बस वो कट आपको, वो जो एनालॉग्स हैं सारे, सिर्फ आपको लीनियर क्वान्टिटी की जगह पर एंगुलर वाली क्वान्टिटी लिखनी है, रिलेशन सेम टू सेम रहेगा। देखो कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ नेपच्यून अबाउट द सन, मास ऑफ नेपच्यून दे रखा है, मास डिस्टेंस दे रखा है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दे रखा है, तो एल इज गोज टू एम ओमेगा आर स्क्वायर लगा दो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम, तो बॉडी सेट टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट रिमेन्स एट रेस्ट और मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन दो कंडीशन में आती है, या तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो, मतलब एक फिक्स वेलोसिटी के साथ चले ऑब्जेक्ट, और दूसरा एक फिक्स डायरेक्शन में चले। तो इसने यही कहा, या तो रेस्ट पर हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। फॉर दिस द नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो, जो बाहर से फोर्स लग रही है वो जीरो होनी चाहिए, बस इतना। तो ट्रांसलेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम तीन तरीके का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल देखो तो स्टेबल वाला इक्विलिब्रियम इज व्हेन द बॉडी ट्राइज टू रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल रिजर्व। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में स्टेबल जो इक्विलिब्रियम होता है कि जैसे ये बॉडी है, मैंने क्या करा, ये ऐसी है, मैंने इसको थोड़ा सा अपनी जगह से खिसकाया, बट ये वापसी अपनी वापसी जगह पर आ गई, थोड़ा सा खिसकाया एंड देन ये वापसी अपनी जगह पर आ गई, थोड़ा सा खिसकाया वापसी अपनी जगह पर आ गई। तो बॉडी ट्राइज टू रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, वापसी अपनी जगह पर आ गई, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम टेंड्स टू बी मिनिमम, तभी वापसी अपने पोजीशन पे आ रही है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बॉडी गेट्स डिस्टर्ब फर्दर आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस एंड रिलीज, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। मतलब कि मैंने क्या करा, मैंने इसको थोड़ा खिसकाया एंड देन उसकी वजह से और ज़्यादा खिसकती हुई चली गई। पहले क्या था, जहाँ से मैंने खिसकाया एंड देन ओरिजिनल पोजिशन पर वापसी, बट अब क्या हो रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा खिसकाया उसकी वजह से आगे और खिसकती चलेगी। मतलब आप बेसिकली किसी चीज़ को रोल कर रहे हो, एक ऐसा सरफेस है और उस पर कोई चीज़ रखी है, मैंने उसको हल्का सा धक्का दिया देन वो खिसकती खिसकती चली गई, तो वो क्या हल्का सा डिस्प्लेस किया एंड देन डिस्प्लेसमेंट बढ़ती चली गई, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, देन बॉडी कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम इफ इवन आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। मतलब मैंने ऐसे थी, ऐसे खिसकाया ऊपर गई एंड देन वहीं पर ही रुक, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है कि डिस्प्लेस होने के बाद भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती। तो देखो जी, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज रेज्ड ऑन बीइंग डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ मास बॉडी का थोड़ा सा रेज हो जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाता है, मतलब वो जो लेवल है उसका, लेवल की बात कर रहे हैं तो लेवल उसका बढ़ जाता है, यहाँ का कम हो जाता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास
सेम हाइट पे रहता है, उसके पोजीशन चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा ऊपर खिसका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो ऊपर चला गया उसमें थोड़ा नीचे खिसक गया, एंड द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वहां पर सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं जस का तस बना रहा है, उसने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। नेक्स्ट चीज इज सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहला ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा, देन रोटेशनल मोशन, ऐसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ आ जाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो बॉडी सेट टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ बॉडी डज नॉट रोटेट और रोटेट विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब अब नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। पहले नेट फोर्स जीरो हो रही थी, अब नेट टॉर्क यू नो टॉर्क जीरो होना चाहिए, हीरो नहीं जीरो होना चाहिए। तो समटाइम्स अब पार्शियल इक्विलिब्रियम में होकर, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब एक बॉडी क्या है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, या फिर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं, ऐसा केस भी अराइज हो सकता है, बट कभी कभी, हर बार नहीं होता। ज्यादातर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों इक्विलिब्रियम में है, बट पार्शियल इक्विलिब्रियम इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, या फिर रोटेशनल है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो रहा। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो भाई वही कमी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेट। हम पहले मास पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेंटर ऑफ वेट, वेट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन आवर बॉडीज। अब हमारे केस में तो भाई हमारी पूरी बॉडी पर बराबर ही फोर्स लग रही है, मेरे सर पर जितनी ग्रेविटी लग रही है मेरे पैरों पर भी उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफॉर्म है। इस वजह से जहां पर मेरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वहीं पर मेरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लाई करेगी। तो अगर मैं अपने अस्त्र की बात करूं तो उस केस में भी जहां पर सेंटर ऑफ मास है वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ये वेरी कब करेगा, उन केसेस में जहां पर एक बॉडी के दो एंड पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, मतलब अगर मैं कोई बहुत लंबे हाइट का ऑब्जेक्ट बनाऊं और मैं उसको सीधा खड़ा कर दूं अर्थ की सरफेस पे, उसको सीधा खड़ा कर दूं, तो क्या होगा उसके टॉप पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू अलग आएगी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगी, एंड बॉटम पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, उसके लिए सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेरी करेगा, बाकी कहीं पर भी वेरी नहीं करता। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट एंड टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क इज जीरो, ठीक, वही वाली चीज। मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास, जो मैंने अभी आपको बताया। However, if the body is so extended, g varies from part to part of the body. ऊपर अलग नीचे अलग जो मैंने कहा, then center of gravity shall not coincide with the center of mass of the body. आगे last is equations of rotational motion. तो जब हम linear motion पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने तीन चीज पढ़ी थी, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square minus u square is equals to 2as. आपको इन्हीं तीनों को अब यहाँ पर डिराइव करना है, सिवाय करना क्या है, जी की जगह पे लिख दो ओमेगा, यू की जगह पे लिख दो ओमेगा नॉट, ओमेगा ओमेगा नॉट, ए की जगह अल्फा और टाइम टी तो है, एस की जगह पर थीटा, यू तो ओमेगा नॉट लिखा और बाकी सारी चीजें जो हमने चेंज करी वो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, इनको आपको डेराइव करना है। तो पहले इक्वेशन को डेराइव करते हैं, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। जब आप डेराइव कर रहे थे तो आपने क्या करा था, आपने करा था कि एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी होता है ना। तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, सारी चीजें वही डेरिवेशन सेम टू सेम, सिर्फ सिंबल चेंज कर दो। तो अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, मान लिया तो अल्फा डी टी डी ओमेगा भी होगा, ठीक बात है। इसको कर देते हैं हम इंटीग्रेट, तो अगर मैं करूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो उस केस में क्या बनेगा, इंटीग्रल अल्फा डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी ओमेगा। मैं यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो टाइम में जीरो से लेकर टी तक मानता हूँ और ओमेगा मैं इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक मानता हूँ, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल अल्फा इंटीग्रल जीरो से टी डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी ओमेगा, ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा तक, खाली डी टी है तो इंटीग्रेशन टी ही आ जाएगा, तो ये बन गया टी जीरो टू टी इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा। जब हम लिमिट्स पुट करते हैं तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अल्फा, और ये हो जाएगा टी माइनस जीरो इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इसको सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर दें तो ये बन जाएगा
जे वाला रिलेशन। जो कि हमारा पहला रिलेशन हो गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, पहला डन। दूसरा, दूसरा इज क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर। तो इस केस में आप क्या करो, इस केस में हम दूसरी तरह चलते हैं, दूसरा क्या, दूसरी इक्वेशन कर रहे हैं हम डेराइव। तो यहाँ पर लेते हैं हम ये वी मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी होता है। इधर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा, अगेन दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। लेकिन अब यहाँ पर इंटीग्रेट करने से पहले ना हम एक स्टेप करते हैं, हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं जो भी हमने पहले निकाली, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी, टाइम है जीरो से लेकर टी तक, और इधर कर रहे हैं हम इंटीग्रल डी थीटा, थीटा भी जीरो से लेकर थीटा तक है। इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी का तो टी बनेगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एक सेकेंड, इधर इंटीग्रेशन कर दो सेपरेट, इधर आ जाएगा ओमेगा बाहर जीरो टू टी डी टी प्लस, इधर टी है ना, टी के साथ इंटीग्रेट करने का, तो इंटीग्रल टी डी टी जीरो टू टी इज इक्वल्स टू जीरो टू थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है x एंड dx इज पावर में वन प्लस होता है और वो प्लस वन नीचे डिवाइड हो जाता है, यही सेम इधर t वाले केस में करना है आपको। यहाँ पे क्या बना, ओमेगा t का तो t ही है एंड जीरो टू t लिमिट है, प्लस अल्फा बाहर है और t है यहाँ पर, तो t की पावर इज वन। तो वन में वन प्लस करेंगे, इधर क्या पावर प्लस वन और प्लस वन है, तो वन में वन प्लस करेंगे तो टू, और टू से ही डिवाइड हो जाएगा जीरो टू t, और यहाँ पर आ गया थीटा जीरो से लेकर थीटा। तो ये बन गया ओमेगा टी प्लस वन अपॉन टू अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट था, ओमेगा नॉट एंड ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा दूसरा रिलेशन, और तीसरा रिलेशन इसका हमारे पास ये था, ये भी हो गया, एंड तीसरा इज ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू अल्फा थीटा। तो इसके लिए फिर से हम लेते हैं कि हमारे पास है अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी, इसमें मैं डी थीटा बाय डी थीटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू में डी ओमेगा नहीं डी थीटा बाय डी टी। मैंने क्या करा, मैंने डी थीटा बाय डी थीटा मल्टीप्लाई किया एंड देन नीचे वाले दोनों टर्म्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये बन गया, और ये हाँ मेरे पास रिलेशन आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू में डी थीटा बाय डी डी इज ओमेगा, तो ये बन गया अल्फा डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, उससे मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल अल्फा डी थीटा फ्रॉम थीटा जीरो टू थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा, इंटीग्रल है ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा तक। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, ये बनेगा अल्फा इंटीग्रल जीरो टू से थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओमेगा डी ओमेगा ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा तक, ये तो बनी जाएगा थीटा डायरेक्ट, और ये ओमेगा है पावर वन, तो फिर से ओमेगा स्क्वायर बाय टू ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा तक। इधर वैल्यू डाली तो अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू वन बाय टू, तो कांस्टेंट है बाहर ही निकाल देते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, टू इधर मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू अल्फा थीटा, और ये बन गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। एंड दे भी डन एंड ये भी डन, आज के लिए हमारा काम पूरा, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, इंट्रोडक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर दी,
और आपको लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन तक मैं पहुंचा चुका। अब जो चीज बची है वो बचा है खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दो इंपॉर्टेंट चीज है। एंड देन इसके क्वेश्चंस जेई मेन और नीट के लिहाज से जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। तो दैट्स इट आज के लिए। अगली क्लास में जो करेंगे वो अगली क्लास में देखी जाएगी, आज के लिए तो हो गया। अगली क्लास में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इसके क्वेश्चंस फॉर जेई मेन्स एंड नीट, आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस इसके करवा दूंगा, सो दैट आपको इसके क्वेश्चंस ट्राई करने में दिक्कत ना हो, आपको पता रहे कि इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें बेहद अच्छे से समझ आई होंगी। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। All the best for your exams, all the best for everything in your life. Thank you very much. Jai Hind.